अगर हम एंटीरियर यूवेटिस की बात करें तो पेशेंट को पेन बहुत होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, रेडनेस बहुत होती है, ब्लर्ड विजन हो जाता है। पहला सवाल आपसे ये होगा कि यूवेटाइटिस क्या होता है और किन वजहों से ये हो जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि यूविया होता क्या है। यूवियाइटिस यूविया की सोजिश को बोलते हैं, और यूविया क्या होता है ये पहले हम सीखेंगे। बेसिकली अगर आप, मेरे पास आई का एक मॉडल है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आई की तीन लेयर्स होती हैं। एक आउटर मोस्ट लेयर जो ये व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। फिर एक अंदर का हिस्सा जिसे आप देख रहे होंगे, यहाँ ये पीला रंग है, इसको हम बोलते हैं रेटिना। और इन दोनों के बीच में जो पिंक कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये है यूविया। तो यूविया क्या करता है, जो हमारा ये ब्लैक हिस्सा है आप देख रहे हो, ये भी यूविया है। तो यूविया का काम होता है आंखों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो किसी भी कारण अगर यूविया को सोजिश आ जाए, उसको यूवियाटिस बोलते हैं। तो इसके कॉजेस क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉज जो इंडिया में है वो है इन्फेक्शियस कॉजेस, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे हर्पीज, इस तरह की फंजाई इन्फेक्शन होती हैं, ये मोस्ट कॉमन है। सिस्टमिक डिजीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, सार्कोइडोसिस होता है, बैचेट डिजीज होती है, उन लोगों को यूवेटिस होने का ज्यादा रिस्क रहता है। कई बार चोट लग जाती है, उसको हम ट्रोमेटिक यूवेटिस बोलते हैं। जिनको कई बार कैंसर होते हैं, उनको भी यूवेटिस हो जाता है। तो देर आर मल्टीपल रीजन जिसे यूवेटिस होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनका हमको रीजन पता ही नहीं चलता, उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक वराइटी। तो दीज आर मेजर कॉजेज ऑफ यूवेटिस। राइट एंड डॉक्टर, क्या ये रेयर डिसीज है या फिर ये बहुत ही कॉमन डिसीज है? मैम रेयर ही कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रेवलेंस जो है, इट इज 0.001%। सो इट इज लेस देन 0.001%। अगर 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें से अब डिफरेंट स्टडीज के हिसाब से 20 या 50 लोगों को ये होता एंड है, डॉक्टर, 1 लाख में से 20 या 50। और डॉक्टर अगर मैं बात करूं सिम्टम्स की, यानी कि आंखों में लक्षण क्या आते हैं? मैम जैसे ना, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, आंखों के तीन हिस्से होते हैं, एक अगला हिस्सा, एक पिछला और एक बीच का। तो यूवेटिस भी तीन तरह का होता है, जिसको बोलते हैं एंटीरियर यूवेटिस, इंटरमीडिएट यूवेटिस एंड पोस्टीरियर यूवेटिस। इन तीनों के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। अगर हम एंटीरियर यूवेटिस की बात करें तो पेशेंट को पेन बहुत होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, रेडनेस बहुत होती है, ब्लर्ड विजन हो जाता है। और अगर पिछला हिस्सा इन्वॉल्व हो जाए, जिसको पोस्टीरियर यूवेटिस कहते हैं, तो आपकी विजन पे भी ब्लरिंग आ जाती है, विजन भी इफेक्ट हो सकता है आपका। एंड डॉक्टर, अगर सही टाइम पे इसका इलाज ना किया जाए तो कैन इट कॉज ब्लाइंडनेस एज वेल? डेफिनेटली मैम, एंटीरियर यूवेटिस अगर, या पोस्टीरियर यूवेटिस है, जैसे मैंने बोला कि रेटिना को खराब कर देता है, तो धीरे धीरे करके विजन ब्लर हो जाती है और पेशेंट ब्लाइंड भी हो सकता है। क्योंकि ना, यूवेटिस अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। कुछ लोगों को आगे ग्लोकोमा हो जाता है, जिसको हम लोग काला मोतिया बोलते हैं। तो पेशेंट में गो ब्लाइंड ड्यू टू ग्लोकोमा ऑल्सो, काले मोतिया कारण भी ब्लाइंडनेस आ जाती है। कई लोगों को आगे जाकर सफेद मोतिया भी हो जाता है, लेकिन जो ऑपरेशन करके ठीक आ जाता है, निगाह वापस आ जाती है, लेकिन अगर विजन ग्लोकोमा के कारण चली जाए, फिर वो विजन वापस नहीं आती। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। राइट डॉक्टर, मैंने कई जगह पढ़ा था कि आंखों में सूजन आना ये भी इसका वन ऑफ द सिम्टम है, क्या ये फैक्ट है मिथ है? मैं सूजन, एक ना आंखों में सूजन, आंख आपके लिए तो छोटा सा स्ट्रक्चर है, हमारे लिए तो आंख बहुत बड़ी है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर पलकों में सोजिश है, तो ये यूवेटिस पलकों में सोजिश नहीं ज्यादा करती। तो सोजिश जैसे उनको आंखों का अंदर का हिस्सा होता है, जो ये हिस्सा है या ये ब्लैक हिस्सा है, ये सूज जाता है। सूजने का मतलब ये नहीं होता कि वो फूल जाएगा, फूलता नहीं है, उसके अंदर अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्स या केपीज कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में, वो आ जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को पेन बहुत होता है, रेडनेस बहुत ज्यादा होती है। तो रेडनेस और पेन जब होगा, तो यूवेटिस होने का एक लक्षण है। एंड डॉक्टर, अगर मैं बात करूं इसके ट्रीटमेंट की, सो किस तरह से इसको ठीक किया जाता है, अगर आप बेसिक हमें बता पाए तो? मैं ट्रीटमेंट के ना दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज मेडिसिन से जो ट्रीटमेंट करते हैं हम, दैट इज ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन, कि हमको इन्वेस्टिगेट करना है। सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री लेके पूछते हैं पेशेंट से, कोई कफ वगैरह की नहीं है, ताकि हम ट्यूबरक्लोसिस वगैरह जो कॉमन इन्फेक्शन डिजीज है उनको रूल आउट कर सके। फिर हम लोग उनकी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई सिस्टमिक, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों को सिस्टमिक इलनेस होती है, जैसे सार्कोइडोसिस हो गया, तो उसको रूल आउट करना पड़ता है, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर तो आपको कोई अंडरलाइंग कंडीशन है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, सार्कोइडोसिस है, तो हम लोग उसको अंडरलाइंग कंडीशन को भी ट्रीट करते हैं, साथ में आइज को ट्रीट करते हैं। तो आइज को ट्रीट करने के दो या तीन तरीके होते हैं। अगर तो सिर्फ एंटीरियर यूवेटिस है, तो सिर्फ आई ड्रॉप देते हैं, स्टीरॉयड।
स्टीरॉयड ही इसका ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं है। तो स्टीरॉयड इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स देते हैं। अगर पिछला हिस्सा इन्वॉल्व हो जाए तो हमको स्टीरॉयड देना पड़ेगा अलॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, और अगर स्टीरॉयड से काम ना बने फिर हमको कई बार लॉन्ग टर्म इमोसप्रेशन देना पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर। वेल, अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के? और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।